हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर लीना। आज मु आपण मानक टेकोमा प्लांट को केमिति समर रे केयर नेबे ता विषय रे वीडियो डी बनाउची। आपण माने जानी चंती मु आगरु टेकोमा प्लांट विषय रे आपण मानको कहिची। टेकोमा प्लांट रो दीटी वैरायटी थाए, गोटे ऑरेंज एंड येलो, आ जोंटा की समर रे बहुत ही भलो फुटे। सो ता सेटा को पॉट रे आपण माने केमिति केयर नेबे, तारो पॉट रे केमिति बहुत भलो हे परिबो गछटी, ता उपरे मु वीडियो टी शेयर करूची। तले आसंतु, प्रथमे तो आपण माने जो पॉट रे लगे थिबे, जेहेतु एटा बड़ बिग प्लांट तेणु याकु सब बड़े बड़ पॉट रे ही लगे निहाती आवश्यक। यदि बड़ पॉट रे आपण लगाउछंती ताहाले आपण प्रत्येक 15 डेज को थरे लखाए ता मूल रे थिबा घास गुड़ा को बाछि देबे, काहेकि ना घास सबुतक न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं जाई थाए निजे बढ़िया पई, आ ता मूलटा को भल भाव खोसई देबे, जोटा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट। जेहेतु पानी दे देकिना ऊपर हार्डनिंग हो जाए थाए, तेणु जेहेतु हार्ड हो जाए से माटीटा को साइड रू मैंने एक्जाक्ट रूट पाखे नुह टे पक्ष को मानने साइड रू ताक भल भाव टिलिंग टाइप करदे। से पूरा तक घास को भल भाव बाछी देबे। इटा बहुत ही बढ़िया प्लांट्स। फ्लावर तो 20 मैंने सब बड़े प्राय हो सीजनली, मैंने समर रे तो सबुदिन फ्लावर हम जहाँ भी हेले किछ ना किछ तो फ्लावर हम। इटा बंच रे होता है, मैंने पेंथा पेंथा फूल ए सब मो पाखे दुईट भेरटर अच्छे, गोटे येलो आ गोटे ऑरेंज। तो आपण घास गुड़ाक बाछी सारापर से खत कि आपरे जो भी कंपोस्ट अच्छे आपण से कंपोस्ट को ऐड कर करदे। मो पाखे जो जिया आपण देखिपुट जिया खत रो भी कंपोस्ट मु रखी घरे भी बनई कि मु कल्टिवेशन भी करुच्ची जिया रो, तो ताको मु यूटिलाइज करना मोर मटीटा को आहरी मु फर्टिलिटी अधिका हेपाई देखुची, कहीं पॉट रे बहुत कम जगार गच्छटी बहुत भल बढ़ तेणु से आपण को पॉटा को पॉट्र मटी को बहुत ही हेल्दी करियार अच्छी। रहिला प्रूनिंग, प्रूनिंग गोटे इम्पोर्टेंट प्रोसेस जो थे कि आपण मैने जोटाक बढ़ी जाइ जोटाक बढ़ी पार एक्सट्रा बंच जोटाक बाहरी थी ब्रांचेस गुड़ा सब प्रूनिंग रे कट करा मैंने सो दैट तार मूलटा थिकन हे आउ छोट गच्छे भी बहुत भल फुल हम। तो यही वे रे आपण माने जो टेकोमा प्लांट को केयर नहीं पारे। से मु किछि डाळ छाड़ी दीजिए और किछि को कट कर दीजिए, आ स्ट्रेट हवा दरकार। जब स्ट्रेट हो गच्छ छोट हो पछे किंतु तार विड्थटा बहुत मोटाई हम, विड्थटा बहुत ही राउंड हो बढ़िया से गच्छटी हम। आ वाटरिंग टा मस्ट करेंगे, वाटरिंग करिया द्वारा कौन हम ना जो भी आप खत फत देते से भल भाव भिजी होटा प्लांट भल भाव नेक्स्ट स्टेप भितर यूटिलाइज करा। आउ गोटे भेरैटी जोटा ऑरेंज कलर भेरैटी जोटा मुझे अलरेडी कही सारी ऑरेंज भेरैटी, कहीं दीटा प्रकार प्राय आसे गोटे येलो एंड ऑरेंज। ऑरेंज रो पत्र गुड़ाक छोट छोट निंब पत्र भाया महानिंब जहाँ कहती भूई निंब तार भाया आप देखिपड़ पत्र गुड़ाक। सो यार भी मूलटा बहुत हार्ड हो जाए, तो या को भी जो भी घास थी से घास को आप फास्ट क्लीन करदे, किसी भी टाइप रो अनावना जिनस उठबन मूलटी बहुत ही क्लीन रुटा। बहुत दिन धरी करी कि मूल अलरेडी बहुत ही मोटा हो सारी, तो या प्रथम सब घास तक बाछी देकिना मूलटा को सेमती टिलिंग टाइप करा पड़ो हैंड रे जो भी आपण टूल्स अच्छे से टूल्स साहय करेंगे। आ गोटे जिनस जदि आपणक पट रटीटे बहुत पुराणा हो जाए तो से मटी को आप काढ़ीदे और नुआ माटी बा खत आप ऐड करेंगे, सो दैट प्लांट आहुरी भल भाव ग्रोथ तार हो पार।
ସଦାବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ବହୁତ ବେଟର୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, ଆଟ୍ ଦେନ୍ ପଟ୍ରେ ଗଛ ଲଗାଇବେ, ସଦ୍ୟା ସଏଲ୍ର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆଟ୍ ଦେନ୍ ପଟ୍ ବହୁତ ହି କଷ୍ଟଲି, ସୋ ମୁଁ ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପଟ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ସମୟରେ ଟିକିଏ ଖରା ଛାଇରେ ରଖିବାକୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗଛର ମୂଳଟା ଏତେ ହିଟ୍ ହେବନି। ଯଦି ଅଧିକା ହଟ୍ ମାନେ ସମର ଯେଉଁ ଯେମିତି ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମର ସିଜିନ୍ରେ ଟେମ୍ପରେଚର 35-40 ଆରାଉଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ସଏଲ୍ର ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରୁଟ୍ଟାକୁ ବହୁତ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଦେବ ଆଉ ଗଛଟି ଇଜିଲି ମରିଯିବ। ଯେତେ ପାଣି ଦେଲେ ବି ଆପଣ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେନି। ସୋ ଏଇସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଯଦି ମନେ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଗଛକୁ ବହୁତ ହି ଆପଣ ବଢ଼ିଆସେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ତ ପୁରୁଣା ମାଟିକୁ କାଢ଼ିଦେବେ, ଆର୍ଦ୍ଦନ ପଟ୍ ଯଦି ଥିବ ତାକୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ୟାର ବି କିଛି ପ୍ରୁନିଂ କରିଦେଉଛି କିଛି ପାର୍ଟ, ଯଦିଓ ଗଛଟି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରୁନିଂ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ହେଲ୍ଦି ବନାଇ ପାରିବେନି, କାହିଁକି ନା ଅନାବନା ଯେଉଁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ହେଇଥାଏ ତାକୁ କେମିତି ଆପଣ ଆଭଏଡ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ନଥିବ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରୁନିଂ କରିଦେବା। ସୋ ପ୍ରୁନିଂ ହେଇଗଲା ପରେ ପ୍ରୁନିଂ ହେଇଗଲା ପରେ ସେମିତି ଆମେ ୱାଟରିଂ କରିଦେବୁ, କାରଣ ୱାଟରିଂଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜିଓର। ଆପଣ ୱିଦାଉଟ୍ ୱାଟରିଂରେ ବା ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ନୂଆ କିଛି ଆଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଖତ ହଉ କି ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ହଉ କିମ୍ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ହଉ, ତାହେଲେ ଆପଣ ୱାଟରିଂଟା ମଷ୍ଟ କରିବେ। ଇଭେନ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ରେ କମ୍ ୱାଟର୍ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଖତ ଫତ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏଇଟା ସମର ସିଜିନ୍, ତେଣୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ହି ଆମକୁ କେୟାର୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ୟାକୁ ଛାଇରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଗଛକୁ ବହୁତ ଜର୍କ ହେବ, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କଣ୍ଡିସନକୁ ପଳାଇ ଆସିବ, ଗଛଟି ମରିଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଥିରେ ଖତ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି, ଖତ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ତାକୁ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ ବାଉଁଶ ହଉ କିମ୍ବା କିଛି ବି ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ଆପଣ ଦେବେ, ଯଦି ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କ ନଇ ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ୱାଟର୍ ଦେଇଦେଲି ମୁଁ, ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ୱାଟରିଂ କରିଦେବେ, ଆଉ ୱାଟରିଂ କରି ଛାଇରେ ବସାଇଦେବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗଛଟି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଟାଇମ୍ ରହିବ, ସେ ଆରାମସେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରିବ। ସୋ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।